विद्या प्रवेश वालीवाट का और चहक कार्यक्रम के जो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है उसमें ये चौथा सप्ताह चल रहा है। और चौथे सप्ताह में आज दिन बुधवार है, तो बुधवार को हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है, करवानी है और कैसे करवानी है। इसके लिए आपको एक यूनिक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं या फिर अपने विवेक का प्रयोग करके आप गतिविधियों को संपन्न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम होगा, स्वतंत्र खेल होगा, तो इसमें आपको कोई नया कार्य नहीं करना है, जो अभी तक करवाते आए हैं वही करना है। लेकिन बुधवार को क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना, प्रथम ध्वनि की पहचान और हवा, मिट्टी, पीठ पर उंगली के वर्णों की आकृति बनाने का अभ्यास करवाएं। सिर्फ जमे इसमें आपको दो अक्षर ही करवाना है, का और रा। तो बच्चे की पीठ पर आप लिख दीजिएगा पहचाने का, पहले आप उनको बता दीजिएगा इसकी ध्वनि क्या है, इसकी ध्वनि क्या है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका भोजन अवकाश हो जाएगा। उसके बाद में आकृतियों में रंग भरना, कोई भी आकृतियाँ आप बच्चों को अलग अलग देख सकते हैं या एक ही आकृति देख सकते हैं, दे सकते हैं बना करके। उस पर रंग भरने के लिए बच्चों को कहें तो वो अपने मनपसंद का रंग उसमें भरेंगे। इसके बाद में कम और अधिक की अवधारणा के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आप विभिन्न सामग्री आपके कक्षा कक्ष में हो सकती है उसको ले सकते हैं, आप अपने जो प्रवेश है उसकी कुछ सामग्री को ले सकते हैं। तो कम और अधिक की अवधारणा आप बच्चों को बता सकते हैं। हालांकि ये बच्चे पहले से ही जानते हैं और बहुत अच्छे से उनका एक रिविज़न हो जाएगा, वो अच्छे से और ज़्यादा एकदम मजबूती से समझ जाएंगे। इसके बाद में टायर का खेल, आपको टायर का खेल बच्चों के साथ करवाना है। और इसके बाद में आप जो गुड बाय सर्कल टाइम है, इसमें शिक्षक दिन भर की गतिविधियों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अब आपको और बच्चों से कहेंगे कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो अपने गार्जियन को ज़रूर बताएं। इसके बाद में कोई अन्य गतिविधि यदि आपने करवाई है तो उसको आप नोट करिएगा। तो इस प्रकार से आज की ये गतिविधियाँ हैं जो आपको संपन्न करवाना है बच्चों के बीच में।